Hey guys, welcome back to my channel. This is your boy Aman Dancer Dotrial. So guys, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं. So guys, आज हम करने वाले हैं recreating iconic looks from famous movies. So guys, इस चैलेंज में क्या होगा, मुझे पायल और खुशबू को कोई भी दो दो एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस के लुक्स रिक्रिएट करने होंगे और आप बताओगे कि हम तीनों में से किसने बेस्ट किया, अच्छा किया है और झकास किया है. सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट जरूर करना, अमन ने अच्छा किया है कि पायल ने अच्छा किया है कि खुशबू ने. सो गाइज, मैं सबसे पहले रिक्रिएट करने वाली हूँ दीपिका पादुकोण का आइकॉनिक लुक जो उन्होंने पिंगा सॉन्ग में पहना हुआ था. सो मैं आपको एक पिक बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा. सो वो पिक है ये. सो गाइज, मैंने साड़ी पहन ली है और मेरे ब्लाउज में थोड़ा इशू था, इसीलिए मम्मी उसे ठीक कर रही है. और उसके बाद मैं ज्वेलरी पहनूंगी और ज्वेलरी पहनने के बाद मैं आपको अपना लुक बताऊंगी कि वो कैसा लगता है. सो गाइज, मैं तैयार हो चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो. और सिर्फ मुझे एक ही चीज करना बाकी है जो रोज है मुझे इधर लगाना है. सो मम्मी की हेल्प लेके फटाफट से मैं लगा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना पिक बताती हूँ. ढंग से नहीं चोट रहा है मेरे बाल में. सो माई फाइनल पिक्चर इज 3, 2, 1. मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद. ये क्या कर रही है, जल्दी बोलना लाइंस. बहुत हैवी है. सो गाइस, मैंने मम्मी से पूछा कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तो मम्मी ने बोला कि ये साड़ी बहुत ही अच्छा मैच हो रहा है उससे. तो मैं जाती हूँ और जल्दी से चेंज कर जाती हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये साड़ी पहनने के लिए. सो गाइस, मैंने साड़ी पहन ली है, आप देख सकते हो. और मैं थोड़ी बहुत ज्वेलरीज पहन रही हूँ जैसे पिक्चर में था. और मैं आपको फिर फाइनल लुक बताती हूँ. सो गाइस, मम्मी मेरे पैर में ये सब लगा रही है क्योंकि हमने ये कलर्स लगा रही है क्योंकि अभी हमने अभी फिलहाल ही नोटिस किया कि पैर में रंग भी था जो बंगाली लोग लगाते हैं ना मम्मी. सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और इसको इग्नोर करना क्योंकि ये मैंने लिपस्टिक से किया है. और कोई कॉमेंट मत करना क्योंकि मुझे गिल्टी फील होगा फिर. सो गाइस, मैं जा रही हूँ और भैया से अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवा के मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना रिक्रिएट कर पाई हूँ. ये क्या है, ये क्या है? देवदास ने मुझे मारा है. इतने जोर से मारा है कि यहाँ पे लिसाटा पड़ गया है. सो गाइस, जो पारो ऑथेंटिक चेयर पे बैठी है वो हमारे पास नहीं है और उसका जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है. सो हमने सोचा कि यहाँ पे जो सीढ़ी है वहीं पे बैठ के हम वो फोटो खिंचवा लेते हैं ऐसे पोज में. सो आप वो चेयर को इग्नोर करना और सिर्फ इसके फेस पे ही ध्यान देना, वो सीडी को इग्नोर करना क्योंकि हमारे इतना बजट नहीं है कि हम एक ऑथेंटिक सा चेयर खरीदे सिर्फ फोटो के लिए. सो दिखाते हैं हम आपको फोटो. सो माय फाइनल पिक्चर इज 3, 2, 1. सिलाई चाहत का न मैंने बुझने दिया. सो गाइज, नाउ इट्स माई टर्न और मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ देवदास लुक फ्रॉम देवदास. मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है ये. सो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा, दिख ही नहीं रहा है, लो अब दिखा. सो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि देवदास ने एक व्हाइट कलर का झब्बा पहना है. सो मेरे पास सेम टू सेम वैसे ही झब्बा है, मैंने इसी छठ पूजा में सिलवाया था. और एक है प्रिंटेड ब्लैक स्टॉल शॉल, पता नहीं क्या बोलते वो है. सो हमारे पास उतनी प्रिंटेड नहीं थी बट इसमें थोड़ा सा वर्क है तो हम उसको यूज कर देंगे. और इतना सा वो दिख रहा है पैंट. सो हम ये पैजामा पहन लेंगे ब्लैक कलर व्हाइट कलर का. और दो चार रिंग्स है और एक वो बॉटल है, बॉटल नहीं ग्लास है उसका. सो वो हम सोया सॉस से बना लेंगे. सो ये पिक्चर तो बहुत ही इजी है रिक्रिएट करने के लिए. सो मैं अब भी जाके पहन लेता हूँ सारा ये सब और फिर पिक्चर आपको दिखाता हूँ. मेरे पास रिंग्स नहीं थी तो मैंने पायल के रिंग्स ले ली है. सो चला लेना, अब बनाते जो वो ग्लास में था वो. तो इसके अंदर डाल देता हूँ सोया सॉस. इतना ही डालू मम्मी? बस बस. इसकी स्मेल बहुत ही घटिया है गाइस. सो अब इसको मिलाते हैं इसमें पानी. बस हो गया रेडी. सो अब जाता हूँ और शूट कर लेता हूँ फोटो. सो माय फाइनल पिक्चर इज 3, 2, 1. सो गाइस, सेकंड जो फोटो मैं रिक्रिएट करने वाली
रही हूँ वो है सोचो अबे कैमरे के अंदर मत घुस, थोड़ा वहीं से बोल। सो बता क्या रिक्रिएट करने वाले। सो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन का फोटो फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम। चल चल फोटो लगा चल। सो ये रही वो फोटो। सो गाइस आप लोगों को इस फोटो में दिख रहा होगा कि ऐश्वर्या राय ने इसमें एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। सो वैसी साड़ी मेरे पास थी तो नहीं, बट उसके जैसी एक सिमिलर साड़ी थी, सो मैं इसी का यूज करने वाली हूँ। एंड इस फोटो में उन्होंने एक सॉल भी लिया हुआ है, सो वो भी ब्लैक कलर का है। और ये तो मैंने ही पहना था, उसी को यूज कर रही है। सो नेक्स्ट बता क्या यूज करने वाली है। वाली हूँ ये रेड रेड सी बैंगल्स, क्योंकि उन्होंने भी एक रेड कलर की बैंगल्स, एक नहीं पहनी है बहुत सारी पहनी है। हाँ, पागल क्या बोल रही है। उन्होंने भी रेड बैंगल्स पहनी है और आजू बाजू ये वाली गोल्डन कलर की भी पहनी हुई है। सो इसी का भी मैं यूज करने वाली हूँ, बस इतना ही यूज करने वाली। इन्होंने एकदम लाइट मेकअप किया हुआ है और एकदम सिंपल है, तो वैसे ही। तो गाइस इसको हरा देना और हमारे लुक को ज्यादा मेहनत की है हमने, सो हमें जिता देना। नहीं, जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता। हाँ तो वो ही तो बोल रहे, हमने ज्यादा मेहनत की, तू कर ही नहीं रही है, तू सिंपल सा फोटो ले रही है, तुझे कौन जीतेगा। ऐसा नहीं होता, पर उनके जैसा दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है बस। सो गाइज मेरा सिर्फ लिपस्टिक लगाना बाकी था, वो भी मैंने लगा लिया है। अब मैं जा रही भैया के पास बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्स खिंचवाने के लिए, बिल्कुल नंदनी जैसी। सो गाइज तब तक आप देखो मैं नंदनी जैसी लग रही हूँ ना। सो माय फाइनल पिक्चर इज 3, 2, 1। अंत छुपा बादल में। सो गाइज नाउ इट्स माय टर्न। अब मैं जो सेकंड पिक क्रिएट करने वाली हूँ वो है माधुरी दीक्षित मैम का फ्रॉम हम आपके हैं कौन। पहले पिक्चर तो दिखा दे। सो ये है पिक्चर। सो गाइस जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा माधुरी मैम ने एक साड़ी पहनी है, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी क्योंकि कोई कोई पिक्चर में पर्पल साड़ी थी और कोई कोई पिक्चर में ब्लू साड़ी थी, तो मेरे पास थोड़ा सा मैचिंग साड़ी है तो मैं उसी से काम चला लूंगी। एंड उन्होंने जरदोशी वर्क ब्लाउज पहना है तो वो मम्मी का था, तो मैंने अपने साइज का बनवा लिया है मम्मी से। एंड मेरे पास कुछ सिमिलर ज्वेलरीज भी है तो मैं इससे ही रिक्रिएट करूंगी पिक्चर। सो मैं जाती हूँ और 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ, और आप कमेंट में जरूर बताना कि मैं माधुरी लग रही हूँ या नहीं। सो गाइस मैंने मेकअप कर लिया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाना बाकी है, और मैं 5 मिनट में जाके कपड़े चेंज करके आके फिर भैया से अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करवा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना फोटो रिक्रिएट कर पाई हूँ। सो गाइस देख लो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और हाँ गाइस जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बैकग्राउंड का कलर वैसा ही कलर मुझे मिल गया है, तो ये है। सो अब मेरी पिक्चर अच्छी आएगी। सो माय फाइनल पिक्चर इज 3, 2, 1। दीदी तेरा देवर दीवाना। सो गाइस नाउ इट्स माय टर्न और मैं जो फोटो रिक्रिएट करने वाला हूँ, एनी गेसेस मत करो, आपको कैसे पता होगा। सो मैं जो फोटो रिक्रिएट करने वाला हूँ वो है फ्रॉम द मूवी पीके, मेरी सेकंड फेवरेट मूवी है, फर्स्ट नहीं। सो मैं यहाँ पे फोटो इंसर्ट कर देता हूँ, सो आपको आइडिया है कि मैं कौन सा फोटो रिक्रिएट करने वाला हूँ। सो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, 1 सेकेंड लॉक खोलू। सो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा आमिर सर ने पहना है एक ग्रे कलर का कोट। सो मेरे पास ग्रे कलर का तो कोट नहीं है, सो मैं ये पता नहीं कौन सा कलर है, ब्राउन है कि कौन सा कलर है, ब्राउन पता नहीं, चॉकलेट कलर है, चॉकलेट कलर का ये कोट है, तो मैं इससे ही यूज करने वाला हूँ, इससे ही काम चलाने वाला हूँ। और एक व्हाइट कलर का शर्ट है, तो सेम टू सेम शर्ट है मेरे पास, सो मैं यही यूज करने वाला हूँ। और एक ये क्या है, घंगरा है, घंगरा बस, और ये मम्मी का है, सो मैं इसका यूज करने वाला हूँ। सेम टू सेम तो नहीं है बट थोड़ा मैचिंग है, सो इससे काम चल जाएगा। और है एक रेडियो, सो रेडियो तो अब इस जमाने में कोई सुनता नहीं है, सो मैंने एक आइडिया मतलब दिमाग लगाया अपना, और मम्मी का जो पर्स था उसको पर्स को मैंने रेडियो में कन्वर्ट कर दिया। पैसा है लेना मत। अरे नहीं लूंगा, ये रेडियो मेरा ये काम चल जाएगा। सो गाइस मैं बहुत ही फनी दिखने वाला हूँ और आप भी एक्साइटेड होंगे कि मैं कैसा दिखने वाला हूँ। सो अभी मैं फटाफट जाता हूँ और चेंज करके आता हूँ। 3, 2, 1। So my final picture is 3, 2, 1. तुझे तक 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 तकते रहना। So guys,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब के बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. और गाइस ज्यादा ज्यादा ये भी बता देना कि किसने सबसे अच्छा लुक क्रिएट किया था. फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे देना. गाइस मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.